मथुरा में लूट की वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है। आए दिन बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना बता दी है बाल जी, बताइए। बस में दोनों आए थे, ढीक से चले थे हम 11 बजे करीब जी, 12:15 बजे करीब यहाँ पे आ गए हम। मार्केट का हमने बाजार किया था जी, 5:30 बजे 5:45 बजे फ्री हो गए। आधे घंटे हम बस नहीं आई, इंतजार करते रहे। 7 बजे बस आई, उसमें बैठ गए। मान एक बात, यहाँ बस में यहाँ कांड कर दिया इन लोगों ने। आप मोटरसाइकिल पे थे? आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमचंद है। और आपके साथ में कौन था? साथ में पंडित जी हैं, नरेश जी। तो कितने रुपए थे उसमें थाले में? 4 लाख रुपए करीब थे सर। पीड़ित कैश लेकर रोडवेज की बस में सफर कर रहा था, तभी नकाबपोश बदमाशों ने गोवर्धन अलबर मार्ग पर कोल्ड स्टोर के पास रोडवेज बस को रुकवा लिया और बस में बैठे किराना कारोबारी के मुनीम से 4 लाख की नकदी से भरा कैश बैग छीन कर फरार हो गए। आप साथ में थे? हाँ जी सर, साथ में था। क्या देखा आपने, क्या थे? देखा क्या, वो स्टार्टिंग मेरे से की थी। सबसे पहले मेरे को बाहर खींच के नहीं निकाल दिया गया बस में से। बस में से? अच्छा, बाहर खींच के निकाल लिया गया मेरे को। उसके बाद में फिर इनके पास में 3 बंदे और अंदर गए, वो कट्टा लेके नहीं कट्टा लेके वो तीनों लोग अंदर गए थे। फिर इनके साथ में उन लोगों ने क्या किया वो मैं देख नहीं पाया, जो मेरे साथ में हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। कितने लोग थे वो? कम से कम 6 यूनिट में ये लोग, 5 या 6 आदमी थे। और 3 गाड़ियाँ हैं इनके पास में, कम से कम 3 या 4 बाइक जो हैं। वारदात को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया है, जो 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। अभी बताया जा रहा, हम लोग अभी आए हैं घटनास्थल पर, जैसे इनकी सूचना मिली हम लोग आए हैं, देखा है। SSI साहब पहले से दिखवा रहे हैं, ये जहाँ घटना बता रहे हैं अपनी होना वहाँ से, और इनको बताया इन्होंने कि हमारे बस में से मुझे एक आदमी को उतार लिया गया, और एक आदमी को उतारने के बाद दूसरा आदमी हमारा था बस में बैठा हुआ था, उसको उसके पास 2 आदमी गए और उससे जाके थैला छीन के भाग गए। और इनके दोनों के जो मोबाइल थे वो उन लोगों ने बताया कि साहब बदमाशों ने लेकर के खेत में फेंक दिए। तो जिस जगह घटना बता रहे हैं उस जगह में जाकर के जो मोबाइल नंबर इन्होंने दिए, उन मोबाइल को जब रिंग किया गया तो वो काफ़ी दूर बैल मालूम पड़ी, तो लोगों ने ट्रेस किया तो गेहूं के खेत में काफ़ी दूर 50 मीटर अंदर लगभग मोबाइल मिले इनके। आगे इसमें किया जा रहा है कि क्या मैटर है, अभी प्रथम दृष्टया इसमें जो लग रहा है उसमें संदिग्धता प्रतीत हो रही है। अभी रोडवेज जो बस बता रहे हैं जिससे आ रहे हैं, उस बस का भी सत्यापन किया जाएगा बस स्टैंड पर जा करके, अगर रोडवेज की बस यहाँ से चली है, अलवर डिपो की बस कितने बजे चली है, चली है कि नहीं चली है, कन्फर्म करके फिर डिटेल बताया जाएगा। इसके अलावा थाना गोविंद नगर में भी एक लूट का मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने एक सुनार के सिर पर पत्थर मारकर करीब 4.5 लाख की नकदी और सोने चांदी के जेवरातों की लूट की। पुनीत शर्मा और अशोक दुबे, अमर उजाला TV, मथुरा।